नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशक न्यूज़। अंदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। यहाँ पर साथ ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ा समाचार आ रहा है नियमितीकरण को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय विपक्ष पूरी फॉर्म में है और लगातार संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर, शिक्षा मित्र अंदेशकों के नियमितीकरण के लिए आवाज़ उठा रहा है। ऐसा ही कुछ कल विधान परिषद में देखने को मिला। शिक्षा मित्रों को स्थायी किए जाने और उनका मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर विधान परिषद में हंगामा हो गया। लखनऊ से समाचार, शिक्षा मित्रों को स्थायी किए जाने पर और उनका मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर विधान परिषद में बुधवार के दिन हंगामा हो गया। सपा विधायक वॉकआउट कर गए सपा के नोटिस पर। जैसे ही बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह ने बोलना शुरू किया, सपा विधायक ने टोकने लगे। इसी बात को लेकर कल विधान परिषद में हंगामा हो गया। साथ ही यहाँ पर बताना चाहेंगे, जब भी कोई सत्य बात या सच्चाई को कोई बुलंद करता है, आवाज़ उठाता है, तो जो लोग उसके विरोध में हैं और जो लोग नहीं चाहते उनकी भलाई, वो विरोध शुरू कर देते हैं। ये एक असली पहचान है विरोधियों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विपक्ष लगातार मानदेय बढ़ाने को लेकर, नियमितीकरण को लेकर संविदा कर्मियों की आवाज़ को उठाता रहा है और इस समय भी उठा रहा है लगातार। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार पूरा नहीं करना चाहती है। इसको लेकर उसके सदस्य हंगामा शुरू कर देते हैं। सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि ये कर्मचारी हमेशा सदैव सभी के काम आते हैं और लगातार अपनी मेहनत से प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी के हुए ना कि किसी विशेष एक पार्टी के। ये सोच जब तक लीडर्स पार्टियों में रहेगी, संविदा कर्मियों का भला कैसे हो पाएगा, इस बात पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और समस्त संविदा कर्मियों के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए पहल करना चाहिए, एक नई शुरुआत करना चाहिए, जैसा कि अन्य राज्यों ने कर दिया है। अन्य और समाचार है, चतुर्थ राज्य स्तरीय कला, क्राफ्ट एवं पपेट्री के माध्यम से शिक्षण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने को लेकर आदेश आया है। यूपी के हमीरपुर में अत्यधिक वर्षा को लेकर 22 और 23 को विद्यालय बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद किए जाने का निर्णय लिया है शिक्षा विभाग ने। अंधेशकों के लिए बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ कभी भी आ सकती है। बने रही हमारे साथ अंधेशक न्यूज़ पर और देखते रहिए अंधेशक न्यूज़। मिलते किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।